हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वीट कॉर्न की चाट बनाने की रेसिपी देखेंगे। यहाँ पर मैंने दाने निकाल लिए हैं, कॉर्न फ्लोर ले लिया है, नमक ले लिया है, चाट मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नींबू का रस है। यहाँ पर हम स्वीट कॉर्न के दानों को 5 से 10 मिनट के लिए उबाल देंगे। देखिए यहाँ पर उबाल अच्छी आ रही है। यहाँ पर हमारे कॉर्न हो चुके हैं। अब हम इसमें कॉर्न फ्लोर डालेंगे। यहाँ पर नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये बारिश के मौसम का हल्का फुल्का नाश्ता है और बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी बनता है। आप भी एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइए। इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब कॉर्न को अब हम तेल में तल लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में तलेंगे। इसको हम दूसरी साइड से भी पलटकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए दाने हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमको दाने को क्रिस्पी होने तक तलना है। उसके बाद इसमें अब हम नींबू का रस डालेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए और खाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।